हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशन, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बारे में जानकारी देते हैं, जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आज हम जानकारी दे रहे हैं आर्टिफिशियल फूलों के गुलदस्ते का बिजनेस के बारे में। आर्टिफिशियल फूलों के गुलदस्ते की डिमांड काफ़ी है। आर्टिफिशियल फूल दिखने में भी खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। ताज़े फूलों की तरह ही यह जल्दी नहीं मुरझाते हैं और कई दिनों तक नए और खूबसूरत रहते हैं। ताज़े फूलों की तरह इनकी देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इनके जल्दी खराब होने का डर रहता है। किसी भी सीजन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप आर्टिफिशियल फूलों के गुलदस्ते का बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप सब ये सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल फूलों के गुलदस्ते का बिजनेस आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपके पास कम से कम 25,000 से 30,000 रुपये होने चाहिए, जिससे आप विभिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल फूल और विभिन्न डिजाइन के छोटे बड़े गुलदस्ते, गमले और पॉट खरीद सकें। आर्टिफिशियल फूल और गुलदस्ते आप थोक मार्केट से थोक में खरीदें ताकि आपको कुछ बचत हो सके। अब इन आर्टिफिशियल फूल, गुलदस्ते, गमले और पॉट से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस के लिए आपको इन आर्टिफिशियल फूल और गुलदस्ते, गमले व पॉट को मार्केट में बेचना नहीं है, बल्कि इन्हें काम पर लगाना है। काम पर लगाना यानी आप इन्हें किराए पर देकर इनकम करेंगे। आइए अब देखते हैं इन आर्टिफिशियल फूल और गुलदस्ते, गमले व पॉट को काम पर लगाकर आप कैसे इनकम करेंगे। आप लोगों ने बैंक, सरकारी या प्राइवेट ऑफिस, होटल, स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, अस्पतालों में प्रतिदिन नए नए डिजाइनों के आर्टिफिशियल फूल और गुलदस्ते, गमले व पॉट देखे हैं, जो हर 2-4 दिन के अंतर पर बदलते रहते हैं। यदि इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया है तो बिजनेस शुरू करने से पहले एक बार जरूर गौर करना। आजकल बैंक, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, होटल, स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, अस्पतालों में ताज़े फूलों की बजाय आर्टिफिशियल फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्रतिदिन ताज़े फूलों का अभाव। इसके अलावा ताज़े फूलों के रखरखाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इनकी तुलना में आर्टिफिशियल फूलों के रखरखाव पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और ये कई दिनों तक खूबसूरत और आकर्षक दिखाई देते हैं। इन जगहों पर जो भी आर्टिफिशियल फूल और गुलदस्ते, गमले व पॉट रखे जाते हैं, वे सभी किराए पर होते हैं। आप आर्टिफिशियल फूलों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट का अच्छे से सर्वे कर लें। आर्टिफिशियल फूलों और विभिन्न प्रकार के पॉट के रेट पता करें। एक फाइल तैयार करें जिसमें आप प्रतिदिन, सप्ताह, मंथली और ईयरली कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर फीस तय करें। इसके बाद सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, अस्पताल आदि जगहों पर जाएं और वहां के अधिकारियों से मिलें और उन्हें अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दें। आपका प्रपोजल उन्हें पसंद आने पर वे आपको मंथली या ईयरली कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। शुरुआत में 1-2 जगह से कॉन्टैक्ट हो जाने के बाद आप आर्टिफिशियल फूल, गुलदस्ते, पॉट आदि लाकर उन्हें सप्लाई दें और इसके साथ ही साथ अन्य जगहों से भी संपर्क करें और कॉन्टैक्ट लें। शुरुआत में आपको 1-2 ही कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं। बिजनेस को लगातार करते रहने से आपको लाभ मिलता रहेगा। कॉन्टैक्ट मिलने के बाद आपको प्रतिदिन या 2 दिन के अंतर पर आपने जो भी एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से आर्टिफिशियल फूल और पॉट को बदलना होगा। ध्यान रहे, नियमित अलग अलग डिजाइन के आर्टिफिशियल फूलों को रखें। इस तरह से आपके पास जो आर्टिफिशियल फूलों के गुलदस्ते हैं उन्हें इधर से उधर बदलते रहना है। पावर टिप्स: आर्टिफिशियल फूलों की साफ सफाई पर ध्यान रखें। आर्टिफिशियल फूलों के गुलदस्ते को इस तरह से बदलते रहें कि उनका नंबर कई दिनों के बाद आए। खराब हो चुके गुलदस्तों की जगह नए खरीद कर रखें। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल फूलों के गुलदस्तों को किराए पर देकर आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। आइडिया पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए बिजनेस आइडियाज से संबंधित हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।